हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग लबू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुखार चाहिए? बुखार चाहिए? थोड़ी खांसी है ना? खांसी है ना? दोस्तों बुखार ठीक है, अब थोड़ी खांसी रहेगी। कल डॉक्टर के पास गई थी, 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। अब थोड़ा मीडियम पे आ गई है और अब ब्लॉग बनाऊँगी। दड़ा दड़ दड़ा दड़ाए ऐसा हाल भैया हमारे तो करना। कब कोई बीमार। और थोड़ा सा बीमार आए तो मैं तो फिर हापलूस टाइप में है जो हूँ। मेरे पास दिल नहीं है ना, इसलिए हापलूस हो जाती हूँ जल्दी। दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, जल्दी घबराना नहीं चाहिए। मैं हूँ जल्दी हापलूस हो जाती हूँ, मतलब घबरा जाती हूँ। मेरे पास दिल विल नहीं है। मेरा दिल बचपन में ही टूट गया, जब पापा एक्सपायर हुए थे ना तभी टूट गया, तब से मेरे पास दिल है ही नहीं, इसलिए मैं जल्दी हापलूस हो जाती हूँ। तो 8 बज के दोस्तों बच्चों को स्कूल भेजना है। आज तो उठना है क्योंकि बहुत दिन हो गए इस बच्चे स्कूल नहीं गए। बच्चे आप अब देखो बड़ी वाली उठ के फोन छेड़ने में लगी पड़ी है। वंशु क्या कर लिया? उठते ही फोन है। गुड मॉर्निंग। सारी दवाइयाँ रखी पड़ी है, उठती हूँ। उठो यार, बच्चों को ना बाद में बोलूँगी, पहले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, तो पहले खाना बना लूँ इनके लिए। स्कूल टिफिन रेडी करूँ जल्दी से, फटाक से। बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा दी तुमने, उठते ही फोन, पता नहीं कब से फोन लेके बैठी है। लंबी कल की खांसी हूँ, मेरी वाली खांसी कल वाली दवाई लाए ना सही थी। मांगो से फोन, तुमने चढ़ाई है सर पे, सबकी लाडली बनी पड़ी है बिल्कुल। देवर आते हैं उनकी भी, कान्हा की भी, वंशी वंशी सबकी वंशी वंशी। ओ मम्मा, हाय। ये सुबह उठते ही सब्जी सब्जी सब्जी, क्या बनाए सब्जी, क्या बनाए, क्या बनाओ यहाँ सब्जी। क्या हाल बेहाल है भैया? 2 गोभी हैं, गोभी बना लेती हूँ। काट ली और सब्जी जल्दी बन जाती है। देखो दोस्तों, बड़ी वाली तो स्कूल चले गई, अब आने का समय भी हो गया, उसका आने का टाइम हो गया, और ये नहीं गई। उसको तो ऊपर रिया से मैंने मैम को फ़ोन कर दिया कि रिया के साथ भेज देना करके, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसको लेने जा नहीं सकी, तो वो रिया के साथ आ जाएगी। और इसकी तबीयत सही नहीं हो रही है, मेरे तो ठीक है, आज टिकटॉक बन रही हूँ, इसका मतलब थोड़ा बहुत ठीक है। कल जाना है हॉस्पिटल, कल फेफड़ों की जांच होएगी मेरी। और खांसी, क्योंकि बहुत टाइम से खांसी है तो खांसी रुक नहीं रही है, अभी खांसी है, तो कल फेफड़ों की जाँच होएगी। और आज दवाई दी है, दवाई लगातार ले रही हूँ, इसका बुखार सही नहीं हो रहा, बस सही हो ना। खाना भी नहीं खा रही है यार, हाय इतना गर्म हो रहा है, पूछो मत। कल नहीं तो इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करूँगी, वहाँ देखती हूँ क्या होता है। काम होता है क्या? रोटी बनानी मुझे, रोटी बना लो। गोदी में से नहीं उतर रही, थोड़ी देर सो रही है, जितना उतना है काम हो रहा है बस। काम तो सारा हो गया, पर मैंने कहा गर्म गर्म खाना दिन में और बनाऊँगी, आटा लगा के रखा है, अब ये जब उठेगी तभी तो। दीदी आने वाली है, अब दीदी ना ऊपर रिया जीजी के साथ आने वाली है, उसके साथ खेलोगी फिर? लाई दे सुआ, ओए ओए लाई दे सुआ, स्टीला प्लेट मा भूख लगी हमारो पेट मा। पार बिड़ा, ओए होए पार बिड़ा,
मडुआ भटकी रो सुआ मेरो घर में लटकी रो। और था जब छोटे छोटे तो मतलब गाते थे। और क्या था आगे को तुम बताओ। पार बिड़ा ओए ओए पार बिड़ा, फिर पता नहीं क्या था। मैं भूल गई। ये दुख ये हारे बीमारी कट जाएंगे मेरी बाबू, मगर रखना इतना ख्याल कभी हार नहीं मानना, जन्म छे कछम छे। होते लाडो तू तो मेरा बाबू चानू है ना। मैगी किसने बनाई? मैं तो मैगी बनाती नहीं स्कूल के लिए, घर में बनाती हूँ। आ गई स्कूल से? हाँ मैं तो आ गई स्कूल से। क्या हुआ, किस उदास है? किस उदास है, क्या हुआ यार? पता नहीं, बच्चे सही नहीं हो रहे। अभी बुखार है ना। हाँ तो होमवर्क भी बहुत दिया है, मैम का फोन आया था, कह रही थी बहुत दिनों के बाद स्कूल आ रही है। दिया ना आज? क्या क्या कह रही थी मैम, क्या कह रही थी? मारा था आज? फिर उदास क्यों है? क्यों है उदास, क्यों है उदास बता? क्या हुआ, क्या हुआ? तो पता नहीं, बोल ही नहीं रही है यार। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? ना मैगी बनाओ, मैगी बनाओ तब बचेगा। अच्छा नहीं अभी तबीयत खराब है, अभी नहीं ठीक है। नहीं अभी बना, बुखार आ रहा। नहीं ना, नहीं बना, नहीं नहीं स्कूल में मैम ने मना किया है ना स्कूल के लिए। तो स्कूल में मैंने कभी बना के दिया आपको मैगी? कभी बनाया स्कूल के लिए? नहीं। रोटी तो फिनिश करके आई हो ना, दवाई ले लो, रोटी दिखाओ तो, हैंड वॉश कर आओ और क्या कहते हैं।